ओम शांति। वेलकम टू वैल्यू मिरर एंड वेलकम बैक विद स्लीप मेडिटेशन विच वी हैव स्टार्टेड यस्टरडे एंड टुडे। आज आप अभी तक तो आप ये स्टोरीज सुनते आए थे और आप ये सोचते थे कोई और है ट्रेजर आइलैंड पर और कोई और है किंग मिडास। तो आज जो हम स्टोरी करने वाले हैं वो है एलिस इन वंडरलैंड। एक ऐसा वंडरलैंड जहाँ पे सब कुछ बहुत स्ट्रेंज होता है। नाउ इमेजिन आप उस वंडरलैंड पे हो और आज हम मेडिटेशन में एक विजुअलाइजेशन ये करेंगे कि हम वंडरलैंड पर हैं और आप एलिस हो। यू एग्री विद मी? तो लेट्स स्टार्ट। क्लोज योर आईज, बी रिलैक्स एंड कीप योर फोन असाइड। जस्ट लिसन टू द गाइडेड कमेंट्री एंड Go into your inner world and visualize. Be relaxed. Sit comfortable. And imagine you are in Wonderland, a place. Actually, you are in your room, but you can imagine that you are in a wonderland. It is so beautiful. And you see around. Aap charo taraf dekh rahe hai. Beautiful butterflies, various colors. You can see the ducks, beautiful water flowing. And nature. And when you go around, aap ek beautiful sa cake dekh rahe hain. And that beautiful cake, imagine kijiye, ek bahut bada cake hai aapke samne. Layer by layer. जितनी लेयर्स आप इमेजिन कर सकते हो केक के, मे बी 4, 5। नाउ इमेजिन वॉट एवर फ्लेवर यू लाइक, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, नट्स और डेयरी मिल्क केक, मिल्की बार केक, वॉट एवर यू लाइक, जस्ट सी दैट ऑन योर केक। इट्स अ बिग केक। And the fragrance, वो जो खुशबू है केक की, वो आपको attract कर रही है. And you want to taste that cake. And you go near. आप उस केक के पास जाते हैं and you taste it. Can you feel the taste? Yes. How's the taste? Very tasty. Have you tasted the flavor? I know it's your favorite. And now, when you eat the cake, something strange happened. क्योंकि वंडरलैंड में सब कुछ स्ट्रेंज होता है. आपके सिर में, आपके हेड में एक अजीब सी स्पार्कलिंग हुई और आप श्रिंक होते जा रहे हो. वेरी स्मॉल. आप चेयर से भी छोटे हो गए. अब आपको चेयर को भी क्लाइम करना पड़ेगा. जस्ट लाइक अ स्टुअर्ट लिटिल. एंड यू सी अ बिग डोर. और उस बड़े से दरवाजे को आप धक्का मार रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो और आपने उस डोर को ओपन कर लिया. और अब आप उस डोर के अंदर जाते हो. नाउ इट्स अप टू यू. उस डोर के अंदर आपने क्या देखा? इमेजिन कीजिए आप किससे मिले उस डोर के अंदर. क्या दिखाई दे रहा है आपको?
क्योंकि वो वंडरलैंड है. उस डोर के अंदर इट्स अप टू योर इमेजिनेशन. एंड अब आप देखें आप किससे मिल रहे हो, क्या बात कर रहे हो और वहां पे क्या है. कोई क्लोज्ड प्लेस है या कोई ओपन प्लेस है जहाँ क्लाउड्स है, सन है, या फिर एक बंद कमरा है. रोशनी है या अंधेरा है, कलरफुल है या वाइट है. जस्ट सी. आई नो यू कैन सी दैट. एंड आपने वहां पर इतना ज्यादा इंजॉय किया. अब आप देखें वहां पे कुछ और बच्चे भी हैं जो आपकी तरह ऐसे श्रिंक होकर छोटे हो गए, या आप अकेले हैं और ट्रेजर्स हैं वहां, या नेचर है. जस्ट इंजॉय इन दैट वंडरलैंड इनसाइड द डोर एंड इंजॉय. And be happy with what you have seen. And now, आपने बहुत देर वहां स्पेंड करके, बहुत इंजॉय करके, जैसे उस डोर को फिर से ओपन करके बाहर आए, You see the big cake again. बहुत effort करके आप उस chair पे climb करते हैं. And then you climb on that table. And you put your effort to cut the cake. Because you have shrinked now. और आपने वो केक कट किया. And you tasted your favorite flavor on that cake because it has all the flavors you like. And when you eat that cake, you feel so happy and you grow back to normal. And you pop out of the table on the floor. And you are amazed. जो भी आपके साथ हुआ आपको इतना अच्छा लगा, आप इतना amazing feel कर रहे हैं. Now be relaxed. उस wonderland से बाहर आ जाते हैं धीरे धीरे. Tell yourself, I am very happy. Because my house is a wonderland. और हमारे घर में सब इतने अच्छे लोग रहते हैं. मम्मी, पापा, दादा, दादी and my friends. सभी से मैं बहुत प्यार करता हूँ. Because they cook for me. My mom, she cooks the best for me. जो मुझे पसंद है वो मेरी मम्मा मुझे बना के खिलाती हैं. सो थैंक हर. थैंक्स टू योर पापा. ही प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग यू वांट. योर दादा एंड दादी दे एम्ब्रेस यू. दे लव यू लाइक यू आर अ ट्रेजर फॉर देम. Feel yourself so lucky, so happy. I am very happy child of God. My room is so clean and neat because my mom keeps it clean. Be grateful for what you have. And aaj se mera ghar wonderland hai. और मैं, मेरा रूम एक ट्रेजर आइलैंड है जिसमें मैं एक चेस्ट हूँ.
एक ट्रेजर बॉक्स हूँ और मेरे अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स भरे हुए हैं। और अब मैं बिल्कुल रिलैक्स और हैप्पी फील करते हुए आई कम आउट ऑफ माई ब्यूटिफुल विजुअलाइजेशन एंड रिलैक्स। ओम शांति।